हे गाइस, वेलकम बैक टू द विशु ब्लॉग्स। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सिनेमैटिक को शूट, जिनको देखकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या बढ़िया था गुरु। जी हाँ, आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसे होने वाला है इसको देखकर। लेकिन आपको मैं एक बात बहुत ही सीरियस बता दूँ, अगर आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप किया तो आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ना ही आप इससे कुछ सीख पाओगे। तो नेवर स्किप द वीडियो। एंड अगर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि आप इस ऐसा शूट अपने फ़ोन से कर सकते हैं। तो जैसे जैसे शूट हमारा आगे बढ़ता रहेगा, उसी तरीके से आपको सिनेमैटिक आपकी स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कौन सा शॉट किस तरीके से शूट हुआ था। तो इस वीडियो में 5 से 6 कट ऑलरेडी पहले ही लग चुके हैं। कटों की सीमा ना पढ़ाते हुए चलते हम सीधे निखिल भाई के घर। ये रहा हमारा रूम, जो कि इससे आगे की कहानी हमारी स्टार्ट हो गई। इस ब्लॉग में हम कुछ इन लाइटों का यूज़ करेंगे, तो इसको हम बेड पे रखेंगे, तब हमें अच्छा सिनेमैटिक मतलब लुक देखने को मिलेगा। जो कि अब हम एक काम करेंगे, हम निखिल को सुबह उठते हुए दिखाएंगे, है ना, क्योंकि भाई जब सुबह की शुरुआत होती है बंदा सोता हो। तो एक्चुअली हम इसकी थोड़ी लाइफ दिखाना चाहेंगे, जैसे कि कोई भी बंदा कैसे उठता है या फिर उसकी लाइफ में क्या चलता है, इस तरीके का हम यहाँ पे शूट करना चाहेंगे या करेंगे। निखिल जैसे अभी सोने जा रहे हैं, आप इसके बाद इसका देखोगे BTS। What you do to me, there's nothing left to see. Okay, इस पॉइंट पर जो नहाने वाला सीन है, इसका हमने BTS नहीं बनाया, क्योंकि भाई वो एक ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हमें ऑकवर्ड लग रहा था नहाते हुए शूट करते हुए। लेकिन आगे का पूरा हमने BTS शूट किया है, तो सिंपल शॉट है भाई, आप समझ सकते हो। एक लो एंगल शॉट है एंड एक शॉट है उसमें उसका एक्सपोजर बिल्कुल डाउन कर दिया है, ताकि वो ब्लैक एंड वाइट लगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट BTS की ओर। जुगाड़ इफेक्ट। लेकिन यार इफेक्ट अच्छे आए इससे। हाँ, अब वो ये क्या कहते हैं, नहाने वाला कर चुके हैं हम लोग, और इसका बाल वाला करते हैं, बाल पोछते हुए है ना, और हेयर ड्रायर लगाते हुए बाल क्यों पोछेगा जब। ठीक है, चले स्टार्ट कर। चले सही है। तुम्हारे सामने ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर लग रहा है। तो सामने का फ्रेम रखना है वैसे भी। पास लग रहे होगा सीन। हाँ, मुझे और पास लग रहा है। विष्णु भाई, शूट कितना हो गया है? शूट अभी हुआ है उसके से 10 सेकंड क्लिप, और हमें हो चुके 1 घंटा। 1 घंटे में सिर्फ 10 सेकंड क्लिप बन जाएगी धीरे धीरे करके, जो भी चाहिए तुम्हें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। You broke my heart in two. बोलो, बैठो डॉक्टर स्टीन और मैं तो अभी हमारा बंदे का हो रहा है शर्ट पहनने का सीन शूट, और इससे पहले सीन होते काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। लेकिन ये थोड़ा सीन हमारा बचा हुआ है, इसके बाद अब होगा हमारे सोने वाले सीन, क्योंकि इस समय लाइट जा चुकी है।
stuck looking for you. तो बिश्नो भाई नेक्स्ट सीन, अरे मेरा फोन कर गया। तो बिश्नो भाई नेक्स्ट सीन को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से आएगा। नेक्स्ट सीन हमारा कुछ ऐसा होगा, काइंड ऑफ हमें निखिल को बिजनेसमैन दिखाना है ताकि उसकी लाइफ डे टू डे कितनी बिजी रहती है। तो लैपटॉप तो हम पे था नहीं, तो हमने सोचा भाई फोन से ही हम दिखा देते हैं मीटिंग वगैरह अटेंड करना। क्या कह रहे हो? मैं लैपटॉप लेने 16 किलोमीटर, पागल समझा तुमने? आए हैं गाइस यस के घर पे, मुश्किल से हमें लगे होंगे 20 मिनट। हाँ भाई साहब, 8 किलोमीटर से मैं लैपटॉप लाना पड़ा दोबारा, और 8 × 16 आए भी तो है 16 किलोमीटर भाई साहब। तो भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन कह देंगे तुम्हारा भाई कह देगा जैसे तैसे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सपोर्ट करने की जरूरत है, समझ रहे? तो अभी हम एक बिजनेसमैन का शॉट रख रहे हैं इसमें, ताकि जैसे उसकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि वो पूरा दिन अपना लैपटॉप पे मीटिंग अटेंड करता रहता है, और इस तरीके का शॉट है। लैपटॉप भाई बहुत मुश्किल से हम लोग लाए थे। What you do to me? Maybe it's my dignity. भाई फाइनली यहाँ का शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो भी हमने किया है वन प्लस से। कोई भी आप नॉर्मली किसी फ़ोन से कर सकते हो, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। इसकी भाई तबीयत ख़राब है, लेकिन तब भी वो लगा हुआ है भाई, पूरा दिन क्या है बस 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, अलग अलग आइडियाज बन रहे हैं, फेल हो रहे हैं, बट टीम वर्क भाई, टीम वर्क। तो अभी हमारे एक लास्ट सीन बचा है बेड पे लेटने का। बेसिकली हम इस सीन में जो आपने देखी होगी मून नाइट, फोन पर आपने मून नाइट वेब सीरीज देखी होगी, जो कि मार्वल की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसमें जब मार के स्टीवन आते जाते हैं, तो उसका जो कुरियस का सीन होता है वो हम आपको दिखाना की कोशिश करेंगे। मैं आपको बैकग्राउंड में सीन दिखा देता हूँ, ताकि जिन लोगों ने वेब सीरीज नहीं देखी उनको समझ में आ जाए। तो अभी हम सीधे रूम में चलेंगे, वहाँ जाके सीधा हम शूट करेंगे। अब हम आए हैं यहाँ पर लास्ट पार्ट की एंडिंग के लिए, है ना। अब सीधे हमारा बेड पे मतलब लेटने का सीन होगा, एंड हम यहाँ पे ऐसे मार्क आता ना उस तरीके से निकल को आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 टेक होंगे, पहला तो होगा सोने वाला और एक टेक होगा एंड में उड़ने के लिए। तो मेरी समझ से तीन बार सोएगा, है ना, 3 बार सोने का सीन हमारा होगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके बेटिया साहब को बीच बीच में देख ही होंगे, और अब और आपको देखने को। पूरा सीन ये वीडियो आपको बीपीएल लगा के देखनी पड़ेगी। मैं लगती है भाई ये वो नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहले आगे जो ऊपर ना, हां ये अब पल के झुकानी है। वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शूट होने जा रहा है, तो भाई करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं सीधे रुकेगा, सीधे करना है, मतलब सेकंड पार्ट में दिखाएंगे ना वो। अरे सुन तो, पता तो चले कैसे गया। हां वही तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। What you do to me?
left to see. You broke my heart in two. Now I'm stuck looking for you. What you do to me? Maybe it's my dignity. You made me rip that hole apart now, and now I'm begging on my. यहाँ से जाने केदारनाथ ऑलमोस्ट यहाँ से 250-300 किलोमीटर है. जाना है यार. ओ भाई साहब. गाइस फाइनली 5-6 घंटों की मेहनत के बाद शूट हमारा कंप्लीट हो गया. और ये आपको ब्लॉग जितना एडिटिंग इसमें या जितनी मेहनत इस शूट में लगी है उससे ज़्यादा मेहनत हमारे निखिल भाई ने की है, क्योंकि अब हम अभी आपको नहीं दिखा सकते. वो आपको सिनेमेटिक शॉट में ही देखने को अच्छा लगता है, ऐसे अच्छे लगते हैं. वो आपको जाके चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में उस ब्लॉग का लिंक रहेगा. और हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँ. अगर आपको अच्छा लगा ये सिनेमेटिक तो निखिल भाई के चैनल को करना सब्सक्राइब, इस चैनल को भी करना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो करना लाइक. और अब आता है इस मेन पार्ट. शूट तो हमने कर लिया, लेकिन बात आती है एडिटिंग की. मैं कोशिश करूँगा कि इसका एडिटिंग ट्यूटोरियल लाऊं, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट करके नीचे बता दो. बाकी ब्लॉग को करना लाइक. मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.